एलियंस को लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिक और तर्कशास्त्री बहस करते हैं। कई लोगों का मानना है कि उनका अस्तित्व है, तो कई वैज्ञानिक इसे इनकार भी करते हैं। एलियंस को लेकर यह दिलचस्पी अभी 100 साल पुरानी ही है। 100 साल पहले तक कोई भी इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। तो आज हम आपको ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस के आंसर बताएंगे और आज हम ऐसे ही चार अनोखे वीडियो देखेंगे जो कि सच में बहुत ही ज़्यादा डरावने हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हु आर एलियंस? एलियंस कौन है? एलियंस किसी दूसरी दुनिया और किसी ऐसी जगह से आए हुए प्राणियों को कहते हैं जो जगह धरती पर नहीं है। किसी दूसरी ग्रह और किसी दूसरे सौर मंडल से आए प्राणी को हम एलियंस कह सकते हैं। एलियंस के ऊपर शोध करने वाले कुछ वैज्ञानिक अलग ही दावा करते हैं। उनके मुताबिक एलियंस उस धरती पर आए हैं और उन्हें किसी खास जगह पर रिसर्च के लिए कैद करके रखा हुआ है। ये खास जगह उत्तरी अमेरिका के शहर लास वेगास से 80 मील दूर उत्तर पश्चिम में स्थित है। इस सीक्रेट जगह को एरिया 51 के नाम से जाना जाता है। यह इलाका अक्सर चर्चों का केंद्र बना रहता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ दूसरे ग्रह से आए एलियन के ऊपर शोध कर लिया जाता है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक दावा किया है कि उन्होंने कई बार UFO यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को उड़ते हुए देखा है। एरिया 51 में मिला एलियन का शव। साल 1947 में किए गए एक दावे के मुताबिक इस जगह पर एक UFO दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। उनमें से एक एलियन का शव भी बरामद हुआ था। दावे के मुताबिक ये एलियन 4 फुट का था और अनगढ़ मानव जैसा दिखता था। कहा जाता है कि एरिया 51 को किसी हिस्से में अब भी उस पर रिसर्च चल रहा है। एरिया 51 एक ऐसा स्थान है जहां आदमियों को जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंधित है। एरिया 51 में है झील। इस जगह पर ग्रूम नाम की एक झील है जिसके बारे में गूगल मैप भी जानकारी नहीं देता। इस झील से सटा हुआ एक रनवे बनाया गया है। इस जगह पर कुल 7 रनवे हैं जिनका उपयोग खूफनी विमान उड़ाने के लिए किया जाता है। एरिया 51 में बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के हिसाब से वहाँ एलियंस और US फोर्स साथ मिलकर काम करते हैं। ऐसा दावा किया जाता है कि यहाँ एलियंस और अमेरिका की गवर्नमेंट दोनों साथ में काम करते हैं, लेकिन अमेरिका की गवर्नमेंट ने यह सब बातें को खारिज करते हुए उसे एक मिलिट्री बेस बताया है जिधर हाईटेक वेपन्स और एयरक्राफ्ट टेस्ट किए जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको ऐसे ही 4 स्केरी वीडियोस के बारे में बताने जा रहा हूँ जो एरिया 51 में एलियंस होने के दावा करने में शामिल हैं। स्केरी एनकाउंटर। दोस्तों इस वीडियो के 2 मोटा बाइकर को जान का खतरा हो गया जब वो एरिया 51 के बाहर से गुजर रहे थे। इससे ज़्यादा डरने वाली बात तो उनके ये वीडियो पब्लिश करने बात की है। वीडियो स्टार्ट होता है जब 2 मोटा बाइकर के सामने कार में बैठकर कुछ गार्ड्स आते हैं। फिर वो आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, तभी उन्हें एक वार्निंग साइन दिखाई देता है। जब तक वो उसे समझ पाते कि तभी ये होता है। Uh-oh, we got things happening. Okay. I know, I am. We got stuff over here. Yeah. She has hands up. Put your hands up. I'm not going to tell you again. Right. Turn around. You got him? I'll have him now. She's going all the way out here. We're just adventure travelers. We're just adventure travelers. It's adventure travelers? Yeah. No. Listen. We're going to give you guys a chance, okay? Get on your bikes, out of here. We'll call Lincoln County and they'll write you each a $750 ticket. Okay. We're out of here. Thank you. कितना डरावना था ये। वो बाइकर पे गार्ड्स गोलियां चलाने वाले थे बस वार्निंग सेंस तक पहुंचने के लिए। किस्मत से वो दोनों अपनी जान बचाकर वहां से निकल गए। इसके बाद जो हुआ वो ज़्यादा ही खौफनाक था। ये पोस्ट उनकी लास्ट वीडियो थी। उसके बाद वो कभी सोशल मीडिया पे नहीं दिखे, पर किसी ने उनके इंस्टाग्राम पर मैसेज किया था और उन्होंने इस मैसेज का रिप्लाई भी दिया। मैसेज में लिखा था FDC 6MO। इसका मतलब वो बता रहे थे कि उन दोनों बाइकर को 6 महीने लिए फेडरल डिटेंशन सेल में रखा गया था। मगर क्या ये सच है? क्योंकि वो वीडियो के बाद से उन दोनों का कोई भी वीडियो नहीं आया है और अभी तक ये मिस्ट्री ही है कि क्या हुआ है उन दोनों के साथ। टेरिफाइंग एनकाउंटर। ये वीडियो लीकिंग गए चैनल की है। ये चैनल हर फेमस जगह जाकर उसको कैप्चर करता है। वीडियो स्टार्ट होता है एक सुनसान सड़क पर जाते हुए और जैसे ही ये एरिया 51 के पास पहुंचता है तो ये वहां लगे वार्निंग साइन को पकड़ के उसे निकाल के भागने लगता है। तभी उसके साथ कुछ ऐसा होता है। एक गोली चलने की आवाज आती है। ये शायद उसे डराने लिए ही चलाई गई होगी वरना उसका बच पाना मुश्किल था।
क्रीपी फोन कॉल। अनजाना फोन कॉल एक रेडियो शो होस्ट को आता है जो कि दावा करता है कि वो एरिया 51 पे काम कर चुका है। ये रही उसकी कॉल रिकॉर्डिंग। I don't have a whole lot of time. Well, look, let's begin by finding out whether you're using this line properly or not. You now. A former employee. Former employee. I was let go on a medical discharge about a week ago, and I've kind of been running across the country. Oh man, I don't know where to start. They're gonna. They'll triangulate on this position really, really soon. So you can't spend a lot of time on the phone. So give us something quick. Okay. Okay. What we're thinking of as aliens are they're extra dimensional beings that an earlier precursor of the space program made contact with. They are not what they claim to be. They have infiltrated a lot of aspects of the military establishment, particularly the Area 51. The disasters that are coming, the government knows about them, and there's a lot of safe areas in this world that they could begin moving the population to now, Art. But they're not doing anything. They are not. They want the major population centers wiped out so that the few that are left will be more easily controllable. Discharge. I started getting... In some way, something knocked us off the air, and we're on a backup system now. It's the government, or... I don't know. It has to be something, though. Well, did you... कुछ लोगों का मानना है कि ये कॉल मैन इन ब्लैक ने कट किया होगा जो किडनैप और अनजान तरीके से गतिविधि करते हैं। ये सब फेक भी हो सकता है मगर इसके कोई सबूत नहीं है कि ये सच है या गलत। अगर ये सच है तो क्या कोई गोपनीय जानकारी शेयर करने की कोशिश कर रहा था जिससे हमारी पृथ्वी खतरे में है? एरिया 51 टनल। ये वीडियो यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद अस की है। ये चैनल भूतिया और रहस्यमय जगह पर जाता है। ये वीडियो स्टार्ट होता है जब दो खोजी कुछ ही फीट की दूरी पर सबसे खुफिया टनल एरिया 51 के सामने खड़े थे। ये टनल बहुत पुरानी है क्योंकि इसमें रखी हुई सभी चीजें पुरानी दिखाई दे रही हैं। Yeah. That door just closed by itself, guys. Yep. That sucks. My battery dead. Let's get by this part. अगर ये टनल सच है तो यहाँ से पहले एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सामान शिफ्ट किया जाता होगा क्योंकि ये एरिया 51 के बहुत पास है। और ये बात बहुत ही डरावनी भी है और ये बहुत ही डरावना भी लगता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक नॉलेज टीवी भारत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।